सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव। परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 25 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो। ज्योति जगा लो, शिव को अपने दिल में बसा लो, मन में बसा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। ईश्वर वही वही है वो अल्लाह, मात पिता वो सखा, उन्हें से ही अपना रिश्ता जुटा लो, जीवन को अपने धन्य बना लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। परवाने बन उस क्षमा पे जलेंगे, श्रीमत पे चल कर पावन बने, सजा लो घर घर को सुंदर स्वर्ग बना लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। हिंदू कौन मुसलमान, एक पिता की है रूहानी संता, भाई भाई की दृष्टि बना लो, जग में फिर से शांति फैला दो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो, शिव को अपने मन में बसा लो, दिल में बसा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। परमपिता परमात्मा सदाशिव सच्चा सच्चा सौदागर बनकर आए हैं, वो रत्नागर बनकर
ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए आए हैं, सच्चा सौदा करने आए हैं। गरीब निवास के गरीब बच्चे ही ये सच्चा सौदा करते हैं। साहूकार का ये सौदा करते हुए हृदय विदीर्ण होता है। तो परमपिता परमात्मा सत्य असत्य का भेद बताकर ज्ञान का धन, गुणों का धन और शक्तियों का व्यापार करने आया है। भगवान शिव कहते हैं, ये सच्चा सौदा ये गुप्त है, सौदागर भी गुप्त और सौदा लेने वाले भी गुप्त हैं। तो वंडरफुल सौदा हुआ ना, इस सच्चे सौदागर को अपने भीतर का सच्चा सच्चा अकाउंट, सच्चा सच्चा हिसाब किताब देना है, पग पग पर श्रीमत लेते रहना है तथा अपनी चेकिंग करनी है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है कि भीतर में काम क्रोध रूपी अवगुण तो नहीं है। इस सौदे में सच्ची दिल चाहिए, आत्मनिश्चय परमात्मा निश्चय भी चाहिए, तो सरेंडर बुद्धि भी चाहिए, रूहानी नशा भी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम इसी ईश्वरीय मत पर अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा, जैसे सेना में कोई विविध पद पोजीशन होता है, ठीक वैसे यहाँ इस रूहानी सेना में भी कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी है तो कोई सतो और रजो पुरुषार्थी है। जैसे सेना में हाथी घोड़े सवार पैदल होते हैं, वैसे इसमें भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार तो कोई प्यादे हैं। फिर बाबा ने कहा, इस युद्ध में स्थूल हथियारों की बात नहीं है, वो जैसे देवियों के हाथ में हथियार आदि दिखाते हैं ना, बाबा कहते ये है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियार तो जिस्मानी बाहुबल के प्रतीक हैं, ये तो रूहानी योग बल के प्रतीक हैं। विष्णु चतुर्भुज में भी शंख चक्र गदा और पद्म ये सब ज्ञान के ही सूचक हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम्हें गृहस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, इसलिए विष्णु चतुर्भुज के अलंकारों में कमल भी दिखाया है, परंतु तुम्हें अभी प्रैक्टिकल में एक्ट करके दिखाना है, पवित्रता में रहना है, क्योंकि ये कर्म योग संन्यास है, ये प्रवृत्ति मार्ग है, अपनी रचना का भी संभाल करनी है। तुम्हें अभी ये समझ मिली है कि पहले दुख का व्यापार था, व्यवहार था, अर्थात दुख का ही आदान प्रदान था, एक दो को दुख और परेशानी ही देते थे, मानो कि नरक के मालिक थे। अब स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अगर ये निश्चय भीतर में पक्का होगा तो शिव परमात्मा की याद भी रहेगी, खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा, निरअहंकारी भी बन जाएंगे और सरेंडर बुद्धि भी बनेंगे। सचमुच ये व्यापार विरला व्यापारी जो गरीबों से सौदा करते हैं। कुछ लोग दान के शौकीन जरूर होते हैं, जब कुछ भी अर्पण करते हैं तो कहेंगे ईश्वर अर्पणम्।
दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिल जाता है। मान लो कोई कॉलेज, हॉस्पिटल या धर्मशाला बनाते हैं, खोलते हैं। अब कॉलेज खोलते हैं तो दूसरे जन्म में फायदा मिल जाता है, क्योंकि पुण्य का काम किया ना। अच्छे कॉलेज में अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। अगर हॉस्पिटल खोलेंगे तो अच्छी हेल्थ मिलेगी। बाबा कहते हैं, परंतु ये सब देने वाला तो मैं हूं ना। अक्सर लोग कहते हैं, हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, हम परमार्थी हैं, पर निस्वार्थ कुछ होता नहीं। ये कर्म क्षेत्र है ना, फल जरूर मिलता है। भगवान कहते, बाबा तो एक है ना, उसी को दुख में सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। उसे हरिहर भी तो कहते हैं, पुकारते हैं, क्योंकि आत्मा अब बेसमझ बन गई है। दुख में पुकारते हैं लेकिन परमात्मा को जानते नहीं हैं। अब परमपिता परमात्मा आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान से कौड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, ये जो आध्यात्मिक हुनर है उसमें तुम होशियार बनो, पुरुषार्थ करो, क्योंकि हीरे जैसा बनना है ना। तुम्हारे हाथ में ये हुनर बाबा ने दिया है। हाँ, फिर सावधानी भी देते हैं कि इस मार्ग में तूफान तो जरूर आएंगे, क्योंकि ये युद्ध है ना। बहादुर होकर सामना करना है, थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। देखो, रावण अपनी तरफ खींचेगा, आसुरी वृत्तियां अपनी तरफ खींचेंगी और राम अपनी तरफ खींचेगा। तो सावधान रहना है। कर्म योगी हो तुम, ये भूलना नहीं है। सवेरे सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो। बाबा ने कहा, संसार के अंदर मनुष्य जो हैं वो गुरु बनाते हैं ना, और गुरु तो बहुत सारे होते हैं, पर सतगुरु तो एक ही है, वो निराकार परमपिता परमात्मा। तुम्हें तो अपनी अवस्था देखनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्मोही बनकर रहना है, साक्षी होकर कर्म करना है, अपनी चेकिंग करनी है, अवगुण तो नहीं है कोई भीतर, कोई भूत तो नहीं है, क्रोध का भूत, काम का भूत, आलस और प्रमाद का भूत, ये भीतर नहीं होना चाहिए। आज का वरदान है, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। बाबा कहते हैं, जैसे शिव पिता बड़े से बड़ा परिवार वाला है ना, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। तो ऐसे सर्व के प्यारे बनने वाले, न्यारा रहने वाले फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए
जितनी सेवा अर्थात सेवा में जितना बिजी उतना ही न्यारापन भी हो। कितना भी कोई हिलावे, चाहे व्यक्ति चाहे परिस्थिति डिस्टर्ब करे, एक तरफ एक जन खींचे दूसरी तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे, कोई सेल्वेशन भी ना मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। आज का स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। जब हम सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो जाते हैं और हमारी चेतना एक निष्ठ हो जाती है, तो तन मन की हलचल समाप्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अचल अडोल स्थिति की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव भगवान कहते हैं, हम बच्चों को आदेश है, बी सोल कॉन्शियस बन, गॉड कॉन्शियस बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति।